गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दास एंड फैमिली डेली व्लॉग्स। आज का वीडियो छत से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है ना, तो यहाँ व्यू देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ सामने हॉस्पिटल है और यहाँ पे गुरु नानक हॉस्पिटल है और यहाँ सिनेमा हॉल है जो कि अभी बंद है लॉकडाउन से, पर जो पहाड़ दिख रहा है वो दलमा है तो सुबह में वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे है हम लोग का पूजा रूम। तो ये है हम लोग का पूजा रूम, छोटा सा ये रूम से अलग है, ऊपर है ताकि मतलब एक सेपरेट जैसा रहे। तो चलते हैं अभी नीचे और देखते हैं क्या आज बनाएंगे। आज मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो वो वीडियो में ज़्यादा नहीं रहेंगी और नए मेंबर से मिलाते हैं। नानी से मिलिए। नमस्कार, थैंक यू, सब ठीक है। नानी बहुत अच्छा गाना गाती हैं तो धीरे धीरे उनका गाना भी सुनने के लिए मिलेगा, है ना। चलिए आज का रेसिपी बना। तो आज का जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेसिकली हम लोग लेंगे मकई भुट्टा। हमें ये मकई लेना है तो मकई को हम पहले से ही काट के रखे हैं और ये टूथपिक है, इसे मेजर कर लेना है ये कितना बड़ा हो, एक इसे थोड़ा छोटा रखना है ताकि ये इजीली इसमें आ सके। तो अंदर की तरफ पुश करना है। मकई का जो दाना सब है ना इसको निकाल लेते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं उस तरीके से निकाल लेते हैं और उसके बाद इसमें ऐड कर जाते हैं क्योंकि ना वो हो नहीं रहा है उससे। इस तरीके से इसको बना लेंगे, जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं। खैर जो वीडियो हमने देखा था उसमें वो लोग बहुत इजीली निकाल रहे थे, पता नहीं कुछ टेक्निक था या क्या, तो हम लोग से नहीं हो रहा तो हम लोग इसी तरीके से उसको बना लिए हैं। तो इसे एक कटोरी में रख देंगे और यहाँ हमने चावल का आटा, गोलकी पाउडर और नमक लिया है तो इसे मिला देते हैं इस पर। इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये फिर उसको चिपकेगा नहीं। मैं कोट कर लिया है और इसे फ्रीजर पे रख देंगे और उसके बाद इसे निकाल के फ्राई करते हैं। तो जब तक उसको फ्रीजर में रखें 15 मिनट के लिए, यहाँ पे तेल गरम कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं। तेल हमारा पूरा गरम हो चुका है और गैस के फ्लेम को कम कर दिया है, जो इसे फ्रीजर में रखा था ये लेके आ चुके हैं। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं एक एक करके। तो ये जैसे ब्राउन हो चुका है तो इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। धनिया पत्ता और लाल मिर्च पाउडर और लास्ट में नींबू ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा नमक भी लास्ट में हमने ऐड कर दिया ताकि नींबू का थोड़ा खट्टापन जो है ना वो थोड़ा टैंगी सा फ्लेवर वो थोड़ा कम हो। तो ये सिंपल सा इवनिंग स्नैक्स हमारा बनके तैयार है और सॉस के साथ इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। शाम स्नैक्स आपको कैसा लगा आप एक बार ट्राई करिएगा। है ये सिंपल, लेकिन वो जो थोड़ा मकई को निकालना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि वो लोग वीडियो में बहुत आसानी से निकाल दिए थे, लेकिन हम लोग को उसको एक एक करके फिर दाना निकालना पड़ा। अगर आपसे वैसा हो सकता है तो आप वैसे कर सकते हैं और आप भी एक बार ट्राई करिए। और जो ये ट्राई कर चुके हैं आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हैं कि वो अगर जो मेथड है वो कैसे होता है। आज मम्मी ज़्यादा थी नहीं वीडियो में, उनका तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। बाय।